आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख डिफेंस अपडेट पर। हमारी पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स से है। आज इंडियन एयरफोर्स के एक MiG-21 फाइटर जेट के साथ बहुत बुरी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता शहीद हो गए। हालांकि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना नॉर्थ इंडिया के किसी एयरबेस पे हुई है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब सुबह के समय भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट अपने मिशन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भर रहा था। उसी समय कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुई, कुछ टेक्निकल इशूज आए जिसके कारण विमान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो क्रैश हो गया। लेकिन इसको लेकर के अभी इंडियन एयरफोर्स ये नहीं कह पा रही है कुछ कि ये हादसा क्यों और कैसे हुआ। इसके लिए बाकायदा एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने शहीद जो हमारे ग्रुप कैप्टन हैं उनको लेकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि इस विकट परिस्थिति में इंडियन एयरफोर्स उनके परिवार के साथ खड़ी है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं था जब MiG-21 का ऐसा कोई हादसा हुआ हो। MiG-21 के लगातार हो रहे हादसों के कारण इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है और इसीलिए बहुत जल्द भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को तेजस Mark 1A फाइटर जेट से रिप्लेस करने वाली है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स से है। आपको याद दिला दें कि एयरो इंडिया 2021 में तेजस MK2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने यह कहा था कि तेजस MK2 के लिए जो उत्तम एसा रडार का नया वेरिएंट है यानी MK2 वेरिएंट, उसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और बेसिकली इस रडार में बड़े एंटीना का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 992 TOR मॉड्यूल्स होंगे। लेकिन इसको लेकर के अब इसको बनाने वाली कंपनी यानी LRDE की तरफ से ये कहा गया कि जो नया फायर कंट्रोल रडार होगा इसके फिलहाल 3 सेट डेवलप किए जा रहे हैं जो कि तेजस MK2 में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो अगले साल रोल आउट किया जाएगा और जिसकी फ्लाइट टेस्टिंग 2023 में शुरू कर दी जाएगी। ये जो हमारा नया एसा रडार होगा ये तेजस MK2 के अलावा जो भारतीय वायुसेना में दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन पे भी लगाया जाएगा। मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो हमारे 65 अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट्स हैं उनमें इन रडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर के ये कहा गया कि ये जो रडार होंगे ये बेसिकली MiG-29 UPG के जो पुराने रडार हैं जो कि मैकेनिकली स्कैंड हैं उनको हटाएंगे और उनकी जगह लेंगे। हालांकि दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रशिया ने ऑलरेडी जो फेजोट्रॉन का NIIR ज्यूक AME एसा फायर कंट्रोल रडार है वो भी भारत को ऑफर किया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपने स्वदेशी निर्मित रडार की जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रेस है और इसी के लिए भारतीय वायुसेना ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि क्यों ना इन्हीं रडार को Sukhoi-30 MKI या सुपर सुखोई में लगाया जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो हमारे तेजस MK-1A वेरिएंट होंगे उनमें उत्तम एसा रडार का जो Mark 1A वेरिएंट है जिसमें एक छोटा एंटीना इस्तेमाल होगा और जिसमें 780 TOR मॉड्यूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसा माना जाता है कि 2 तेजस फाइटर्स में इनको इंटीग्रेट भी या इंस्टॉल भी किया जा चुका है जिनमें से LSP-2 और LSP-3 फाइटर जेट हैं। और इसको लेकर के ये भी दावा किया गया कि इन्होंने तकरीबन 3 घंटे की जो इनफ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको पूरा कर लिया है और मुमकिन है कि बहुत जल्द जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं उनमें भी इस रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे रिपोर्ट का सार निकालें तो वो ये है कि MiG-29 और Sukhoi-30 MKI में भी अब उत्तम एसा रडार के जो Mark 2 वेरिएंट हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट भारतीय नौसेना से निकल के आ रही है। भारतीय नौसेना में जो 4th स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS वेला है ऐसा माना जा रहा है कि वो इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में कमीशन कर दी जाएगी और इसको लेकर के ये कहा गया कि इसके जो ट्रायल्स हैं वो अपने फाइनल स्टेज में या एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। वहीं 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वॉकशीर की बात करें तो वो अपने कंस्ट्रक्शन के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और उसके बाद माना यह जा रहा है कि इसी साल के अंत तक उसे भी अंडर वाटर ट्रायल्स के लिए या वाटर ट्रायल्स के लिए उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि INS वेला को मई 2019 में पानी में उतारा गया था, उसके बाद से नियमित ट्रायल्स से ये गुजर रही है और इस समय ये अपने ट्रायल्स के एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। वहीं INS जो वाकशीर है उसका कंस्ट्रक्शन भी लगभग पूरा हो चुका है और 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात करें जो INS करंज थी उसे लास्ट वीक भारतीय नौसेना की सर्विस में शामिल किया गया है और इसके बाद से भारतीय नौसेना में जो कन्वेंशनल सबमरीन की संख्या है वो 15 पहुंच चुकी है। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर सबमरीन भी भारतीय नौसेना में हैं।
भारतीय नौसेना के पास इस समय 8 रशियन किलो क्लास की सबमरीन हैं, 4 जर्मन HWD हैं, वहीं 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो भारत के पास न्यूक्लियर अटैक आइनस चक्र जो कि रशिया से लीज में ली गई है और भारत की इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आइनस अरिहंत है। पिछले साल अक्टूबर को भारत ने आइनस सुंदवीर नाम की 1 किलो क्लास की सबमरीन म्यांमार को गिफ्ट की थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय भारत का जो प्लान है वो ये है कि जल्द से जल्द अपनी जो सबमरीन की संख्या है उनको बढ़ाए ताकि चाइना की बढ़ती नौसैनिक ताकत को काउंटर किया जा सके। दोस्तों अपनी अगली अपडेट की बात करें तो ये SU-57 के नेवल वेरियंट को लेकर के आ रही है। काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की अटकलें लग रही थी कि SU-57 के नेवल वेरियंट पर रशिया शायद काम कर रहा है, लेकिन अब रशियन मीडिया में कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया कि जी हाँ, रशिया निसंदेह अपने एक नेवल वेरिएंट पर भी काम कर रहा है। आपको पता होगा कि रशिया अभी भी अपने नौसेना के लिए वही Sukhoi-33 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्योंकि अब रशिया का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी अमेरिका है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर एक वाजिब सी बात है कि रशिया भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि SU-57 के नेवल वेरिएंट पर जो रशिया है वो काम कर रहा है। आपको बता दें कि SU-57 अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसके कुछ जो प्रोटोटाइप्स हैं वो रशियन एयरफोर्स में उड़ान भर रहे हैं। और ये भी इसको लेकर के कहा गया कि बहुत जल्द हमें SU-57 यानी पाकफा का एक अनमैन्ड वेरिएंट देखने को मिलेगा जो बिना पायलट के उड़ान भरने में सक्षम होगा और वो दुश्मन के एरिया में घुस के उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको आराम से तबाह भी कर सकेगा। लेकिन नेवल वेरिएंट को लेकर के अभी कुछ ज़्यादा जानकारियां सामने नहीं आईं, लेकिन जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं उस हिसाब से माना जाए तो ये एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ये रशियन नेवी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी होगा। लेकिन जो भी होगा, आने वाले वक्त में इसके बारे में सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको हम AMCA के नाम से जानते हैं उसको लेकर के आ रही है। एक गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि भारतीय वायुसेना का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है यानी AMCA, उसके लिए सरकार बहुत जल्द एक फंड जारी कर सकती है जो कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये के आसपास होने वाला है। इसमें AMCA की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और पहले प्रोटोटाइप के लिए जो कॉस्ट है वो इंक्लूड की गई है। और इसको लेकर के जानकारी ये भी दी गई कि जो AMCA होगा उसके तकरीबन 6 स्क्वाडन भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगी और इसके डेवलपमेंट में पूरी ताकत के साथ HAL और जो दूसरी जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं। अब AMCA का जो डेवलपमेंट होगा वो 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज होगा AMCA Mark 1 और दूसरा होगा AMCA Mark 2। अगर हम Mark 1 की बात करें तो ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जो Mark 2 कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे ये 5th जनरेशन या 6th जनरेशन एवियोनिक्स के साथ में आएंगे और इनको लेकर के ये कहा जाता है कि इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी वो किसी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के आसपास होगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और उसको इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब AMCA की 6 स्क्वाडन इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की हम बात करें तो इनका जो प्रोडक्शन है वो अगले 7 से 8 सालों में शुरू हो सकता है। लेकिन एक ख़ास बात जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये है कि AMCA में जो शुरुआती वेरिएंट होंगे उनमें अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद के जो वेरिएंट होंगे इनमें भारत अपना स्वदेश निर्मित जेट इंजन इस्तेमाल करेगा। हालाँकि ये क्लियर नहीं है कि कावेरी इंजन होगा या कोई नया इंजन इसके लिए डेवलप किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट में यही कहा गया कि भारत AMCA के जो दूसरे वेरिएंट्स होंगे उनमें इंडिजिनस इंजन्स का इस्तेमाल किया करेगा। मतलब साफ है कि भारत अब किसी दूसरे इंजन का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो भी हो, आने वाले समय में ये सारी बातें हमें अच्छे से पता चल जाएंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए